बी अनुज राहत एन को थी ये बी एस सी क्यों थी आज वो होता है ना वीरू राहत एन एस सी को आ, लेकिन बी चल गया देखिए क्या है अब 18 परसेंट हो गया बी जो वीकेंड पे न्यूज़ आई अब इस चीज़ को समझना होगा लोगों को कि वीकेंड पे जो न्यूज़ आई इसका मतलब ये नहीं कि कल एन का आई पी आ जाएगा अभी टाइम लगेगा उसमें मुझे लग रहा है महीने से एक साल का टाइम उसमें लगेगा अभी लेकिन क्या होता है जब आपका सेक्टर का एक सबसे बड़ा प्लेयर लिस्ट होने आ रहा है तो ऑलरेडी एक बड़ा प्लेयर जो लिस्टेड है जो थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा था उसमें एकदम से मूव आ जाता है इसकी वजह से और ये एक रीज़न है अच्छा बहुत लोगों को लगता है कि एन क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग है और एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है तो ऑब्वियसली वो बहुत आ, आ, कमांडिंग मार्केट कैप पर लिस्ट करेगी लेकिन आपको एक चीज़ बताओ मैं जब एक एग्जांपल दे रहा हूँ जब टी लिस्ट हुई थी वो तो आज टी सी एस कंपेरेटिवली इन्फोसिस से बहुत ज़्यादा प्रीमियम पर ट्रेड करती है जब टी सी एस लिस्ट हुई थी भले ही वो इन्फोसिस से उस समय भी बड़ी कंपनी थी लेकिन कुछ समय के लिए वो इन्फोसिस के से थोड़ा डिस्काउंट मतलब इन्फोसिस का भी प्री एक्सपैंड हुआ था उसकी वजह से तो जो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश प्लेयर है ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर है उसका एक अपने आप एक एक्सटेंशन एक पी जो है वो बढ़ता है उसकी वजह से तो ये एक और कारण है कि इस वजह से ये मामला आया रास्ता क्लियर हुआ है आएगा आईपीओ आए� अच्छा अब इसमें क्या होगा अनलिस्टेड मार्केट में जो एन में डीलिंग्स हो रही हैं शायद उसका भी रेट अपने आप बढ़ेगा ठीक है तो इस वजह से एक अपने आप एक जैसे कहते हैं कि रब ऑफ इम्पैक्ट है और दूसरी बात वीरू बुल मार्केट है बुल मार्केट में आपको बस लॉजिक चाहिए स्टॉक भगाने का तो लॉजिक मिल गया आज तो भाग गया अभी की वजह से